मैं अब रिको SP210 SU प्रिंटर का डेमो देने जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, वो फंक्शन वर्क कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि ये बटन्स हैं क्या क्या। ये है ट्रे वन, जिसके अंदर हम 150 अराउंड पेजेस सेट कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें रफ पेजेस इंसर्ट कर रखे हैं। ये है ट्रे टू, इसमें हम सिंगल पेज या एक दो पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये है USB पेन ड्राइव यूज़ करने के लिए, इसका फंक्शन कैसे वर्क करता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये है स्कैन टू फंक्शन का बटन, ये है ID का बटन, ये है लाइटिंग कम और ज़्यादा करने का बटन, ये शॉर्टकट्स हैं अभी ऑन करने के बाद बताऊंगा, ये नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, कीज़ हैं, ये बैक बटन है, ये ओके बटन है, बैक अनडू बटन है, ये नंबर्स वाले बटन हैं, जितने भी फंक्शन मतलब जितने भी आपको क्वांटिटी देनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 99 मीन्स 99 पेजेस आप एक बार में इसमें प्रिंट या कॉपी दे सकते हैं। ये स्टार्ट बटन है, ये फंक्शन का बटन है और ये सेटिंग का बटन है, ठीक है। अब मैंने इसको प्लग इन किया हुआ है, पावर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पावर प्लग और ये है ऑन ऑफ का बटन, ऑन कर लेता हूँ मैं इसे। ये एक्स्ट्रा जो पेज का एरिया है A4 साइज़ का, ट्रे वन, ये इससे बाहर आ गई है, मशीन से बाहर आ गई है, बट इसको हमें कवर अप करने के लिए एक अटैचमेंट भी दी हुई है, वो अटैचमेंट मैं अभी इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये है वो अटैचमेंट, दो हुक्स दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने। नाउ इट फिक्स, अब ये कवर हो गया। यहाँ पे एक पोर्ट है जो कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आपके कनेक्ट होगा, दैट्स इट। अब मैं आपको फंक्शन बताता हूँ इसके। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पावर अप कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉपियर का फंक्शन, फोटो स्टेट का। यहाँ पे देखिए, ये ट्रे वन और टू सेलेक्ट करने को कह रहा है। मैंने इसको नेविगेशन की से अप एंड डाउन की, जब मैं ट्रे वन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है जिसमें पेज इंसर्ट है, यहाँ पे इसने आइकन दे दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक बटन प्रेस करूँगा, ये वाला स्टार्ट बटन कहते हैं इसे। कॉपी लिखा आ रहा है इसके अंदर, पेज है, इसके ऊपर मैंने एक प्रिंट दिया है, फोटो स्टेट किया है, इसको कॉपी किया है। और ये देखिए यहाँ पे कितना डार्क आ गया है। यहाँ पे हम इसकी डेंसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं डेंसिटी। ये देखिए डेंसिटी फंक्शन आ गया, ओके किया मैंने। यहाँ पे टू है डेंसिटी, मैं इसको वन कर सकता हूँ या इसको बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। वन कर दिया मैंने इसे और ओके कर दिया। ओके करते ही यहाँ पे प्रोग्राम लिखा आएगा। अब मैंने इसको अंडू किया, ये पेज मैं साइड में रख देता हूँ। अब मैं आपको इसका आईडी फंक्शन दिखाता हूँ। आईडी फंक्शन
कैसे वर्क करता है। मैं इस पेज को एज आईडी होल्ड कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपकी एक आईडी है, मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके फ्रंट एंड बैक दो साइड प्रिंटेड होता है। हमें उसे एक ही पेज पे प्रिंट करना है। उस फंक्शन के लिए ये बटन है दिए हुए। इसको करने के लिए यहाँ पे टॉप में एक एरो है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे हम इसे रखते हैं और इसे इस तरह से बंद कर दिया। शॉर्टकट टू फंक्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस बटन को दबाइए, ये वार्मिंग अप आ रहा है। जब आप वर्क नहीं करते तो ये स्लीप मोड में चला जाता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने पूछा टेक्स्ट, जो आपकी आईडी है इसमें सिर्फ टेक्स्ट है या सिर्फ इसके अंदर फोटो है या फिर ये मिक्स्ड है, दोनों चीज़ एक साथ। मैंने मिक्स्ड पे कर दिया और ओके कर दिया, प्रोग्राम हो गया। अब मैं ट्रे वन सेलेक्ट मैंने कर लिया, मैं यहाँ पे ओके कर लिया। आईडी कार्ड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन कॉपिंग लिखा रहा है, प्रोसेस होने के बाद लिखा रहा है सेट बैक साइड। हम इस पैनल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसका बैक एरिया जो कि ये है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। देन हमने इसको यहाँ नहीं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे हमने फ्रंट रखा था। और फिर से अगेन हम स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे, हमारा पेज बाहर आ रहा है। ये रफ पेज पे देखिए, ये फ्रंट है और ये बैक है। किस तरह से हम इसका फंक्शन यूज कर सकते हैं आईडी वाला। अब मैं आपको पेन ड्राइव का फंक्शन बताता हूँ कैसे यूज होता है इसमें। तो इसमें पेन ड्राइव का फंक्शन यूज करने के लिए हमें सिंपली इसमें आपका यूएसबी पेन ड्राइव इंसर्ट करना है इस पोर्ट में, कर दिया है। देखिए एनर्जी सेविंग मोड पे चला गया, यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, कोई भी बटन पर प्रेस कर दो तो वापस चला जाएगा उस पर। देखिए जैसे मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट किया यहाँ पे देखिए लिखा आ गया रेडी सेव स्कैन डाटा टू यूएसबी। इसका मैंने साइज सेट किया हुआ है 600x600 PPI, कस्टमाइज साइज है, मीन्स जितना भी स्कैनेबल डॉक्यूमेंट होगा उतना साइज ही दे देगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करने जा रहा हूँ, ये वाला कर दिया मैंने। अब ये पूछेगा ये JPG फाइल स्कैन करनी है इसकी या PDF बनानी है आपको। मैंने PDF वाले बटन नीचे वाले सामने वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए लिखा रहा है स्कैनिंग, डोंट पुल ऑफ USB, ठीक है। इस फंक्शन की खास बात यह है कि आपको कोई भी डाटा अगर स्कैन करके अपने पेन ड्राइव में सेव रखना है
और फिर कहीं और उसको यूज़ करना है, तो आपको सेम टाइम पे कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा आपका डाटा और पैन ड्राइव में सेव हो जाएगा। अभी राइटिंग हो रही है इसमें। हो गया कंप्लीट द प्रोसेस और आईडी का नंबर उसने दे दिया। अब हमें यहाँ से पेन ड्राइव इंजेक्ट करने रही है। तो फ्रेंड्स अब वो पेन ड्राइव जिसमें मैंने स्कैन किया था डाटा वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में। इंसर्ट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि वो डाटा आया है या नहीं आया है। देखिए ये दोनों डाटा है ये मैंने पहले कभी किया था, टॉप लेटेस्ट डाटा जो है वो ये है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि स्कैन हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए जो पेज मैंने डाला था इंसर्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है स्कैन बिल्कुल क्लियर और 100% DPI भी आया है। नो 600 DPI। अब ये स्कैन डाटा जो है मैं इसको ही प्रिंट कमांड दे देता हूँ यहाँ से। मैंने इसका ड्राइवर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। जाते ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया रिको SP210SU DDST और ये यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। मैंने इसको ओके कर दिया। अब जो प्रिंटर है आपका स्लीप मोड में गया हुआ है सर। जैसे ही मैंने इस पे प्रिंट कमांड दी कि वार्मिंग उनका होने के बाद इसने प्रिंट दे दिया। ये नहीं ठीक है रफ पेज मैंने निकाला है। ये देखिए मैंने दो पेजेस दिए थे बैक टू बैक दो पेजेस आए हैं ठीक है। तो ये आपका प्रिंटर है इसके सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। प्रिंट होने के बाद देखिए ये स्लीप मोड में चला गया। ये स्लीप मोड पे चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।